अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ ड्राफ्ट बियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इंडिया में हम जानते हैं जैसे कि ड्राफ्ट बियर हमको यूजुअली हम जाते हैं बार में ग्लास में देते हैं, हम पीते हैं, ठीक है। और ड्राफ्ट बियर नॉर्मली बॉटल या कैन वाली बियर होती है, उससे ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन यहाँ उल्टा हिसाब किताब है, यहाँ ड्राफ्ट बियर ज़्यादा सस्ती है और यहाँ आपको वो आधे लीटर या लीटर के हिसाब से देते हैं। इस तरह के कुछ कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे, बार तो नहीं कहेंगे उनको, शॉप्स ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको ये लीटर के हिसाब से देते हैं। तो वहाँ से मैंने ये बॉटल ख़रीदी थी और ये बॉटल करीबन मुझे लाइक 150 रुपये की पड़ी एक लीटर। ठीक है, कई सारे ऑप्शन थे, सब रशियन में था, समझ नहीं आया मेरे जितनी मेरी रशियन है उस हिसाब से, तो मैंने इनी मिनी माइनी मो करके 80-90 पूरे शौक सौ कर लिए और एक मैंने ले ली में से। तो ये जो बियर है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी होगी। मुझे लगता है कि ये गेहूं की बनी है, नॉर्मली बार्ली या जव से बियर बनती है या गेहूं से बनती है, तो गेहूं की जो बियर है उसमें एक अलग ही एक उसकी खुशबू अलग होती है, उसका स्वाद अलग होता है, उसकी पूरी एक बॉडी फ्लेवर सब कुछ अलग होता है और बहुत ही उम्दा बियर है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जैसे हम कह लो ना कि समर टाइम में आपने अगर एक गुट पी लिया तो ऐसा लगता है कि आहा हा तरोताज़ा हो गया आप, बिल्कुल वैसी बियर है ये। तो ऐसे कई सारे यहाँ पे शॉप्स हैं जो काफ़ी यूनिक है, मैंने आज से पहले कोई दुनिया में इस तरह की जगहें नहीं देखी। जो आप पिछले वीडियो में आपने देखा कि आप जाओ आपके पास ऑप्शन है, आपको वो बॉटल भर के देते हैं वाला फंडा। ओके, सो वी आर गोइंग टू ट्राई सम काराकालपाक वोदका एंड दिस ग्लास इज़ अबाउट 6,000 सुम एंड द काराकाल वोदका इज़ क्वाइट स्पेशल, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। तो 6,000 सुम इज़ लाइक अराउंड 35 रुपीज। I think it has a slightly milder flavor than the other vodka that I've tried. It does have a burning sensation at the end of it when it goes down, but it's all right. I mean, it's sippable. I'm drinking it neat, no ice, nothing, but it's decent. I think again 6-7 out of 10. So yeah, if you come to Karakal Park, definitely give it a shot. Try their vodka because it's quite famous here. Yeah, cheers.